बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, ओए बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, आप डर गई हैं? किसे क्या हो गया है? अच्छा, रोटी पका ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुमा आमीन। मेरे प्यारे बहन भाई, आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहने, वीडियो को स्किप नहीं करना। और आप देख रहे होंगे आज हमारे घर फिर से बकरे ही बकरे, बकरे ही बकरे, बकरे ही बकरे, माशाल्लाह आज हमारे घर 6 बकरे आए हुए हैं जी, ये देखें। और ये देखें बेगम साहिबा बकरों को पानी पिला रही है। और आज हमने 3 बकरे ज़िबा करने हैं और 3 बकरे कल हमने ज़िबा करने हैं, टोटल हैं जी 6। ये देखें जी, ये बकरे हैं माशाल्लाह। एक ये है, एक वो है। अच्छा जी, 3 ये हैं, ये देखें जी, 3 बकरे ये और एक ये खड़ा है सामने। ये बकरे हैं किसकी तरफ से ये भी आपको बताता हूँ, उससे पहले आप बेगम साहिबा से भी दुआ सलाम कर लें। हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो माशाल्लाह बकरे बहुत एक्टिव हैं, बड़ा भगाया इन्होंने हमें आज, बड़ा भगाया है इन्होंने। अच्छा जी माशाल्लाह, हम सब दुआ के लिए खड़े हो चुके हैं, मेरे कसाई भाई भी आ चुके हैं और अबू जी दुआ करवाएंगे। अबू जी एक बार दुआ करवा दें। एक हमारे अंकल जी हैं बाहर मुल्क पे रहते हैं, ये 6 के 6 बकरे उनके हैं, 6 के 6 बकरे अंकल जी और अंकल जी के बच्चों के सदका खैरात के लिए हैं, अंकल जी के लिए, अंकल जी के बच्चों के लिए, अंकल जी की पूरी फैमिली के लिए। हाथ उठाकर दिल से दुआ कर दें, अल्लाह पाक अंकल जी की ये सदका खैरात अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, दुआ करवा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد میرا پاک اللہ جس بھائی نے صدقہ خیرات کیتے بکرے دیا ہے ان تے جو لوائقین ای دنیا تو ٹر گئے میرا پاک اللہ انہوں جنت اعلی تو اعلی مقام عطا اللہ میرا پاک اللہ محمد تے محمد دی آل دا صدقہ 5 تن 12 امام 14 معصوم غوث قطب عبدال میرا پاک اللہ جو تیرے پیارے ہی دنیا تو ٹر گئے انہاں دا صدقہ انہاں دے مار رزق روزی رزق کے میرا پاک اللہ اضافہ فرما اور برکت عطا فرما بے بہا برکت میرا پاک اللہ تیرا خزانہ بے بہا ہے سارا کوئی فخر نہیں اساں گریا کر کے دعا منگدے ہیں ساری دعا کو اپنی بارگاہ دے وچ میرا پاک اللہ محمد تے محمد دی آل دا صدقہ منظور مقبول فرما پاک اللہ بی بی سائیں دی قید دا واسطے جو جو یزید دی دربار وچ قید تھی کہ کھجانیاں میرا پاک اللہ انہاں دی قید دا واسطے انہاں دے جو کاروبار یا مارز کے اضافہ فرما جو انہاں دے فانی دنیا تو ٹر گئے میرا پاک اللہ انہاں کو جنت اعلی تو اعلی مقام عطا فرما اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی صاحب آج یہ بکرے ذبح کرنے ہیں یہ ہے تھوڑا غصے والے سب سے پہلے یہ بسم اللہ کریں دھیان سے بھائی صاحب دھیان سے دھیان سے بیٹا अच्छा जी माशाल्लाह रिक्शा भी आ चुका है और हमारे 3 बकरे ज़िबा हो चुके हैं ये देखें जी और भाई साहब जो है ना लगे हुए हैं ये देखें अपने अपने बकरे को लगे हुए हैं वाह जी वाह क्या बात है कसाई भाई आपके जो शागिर्द है ना माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं बड़ा कारीगर कर दिया है आपने तो उनको दुआ कर, दुआ कर। दुआ तो करता हूँ अभी उसे बोलने का भी कोई वो होश नहीं है अभी काम को लगा हुआ है चले जी माशाल्लाह ये देखें रिक्शा भी आ चुका है इसके ऊपर बैठ के गोश्त बनाएंगे भाई साहब कसई भाई आप यार मुझे भी ये काम सिखाओ ताकि आपको तकलीफ ना करनी पड़े मैं खुद ही बकरे बना लूं अच्छा जी चले जी माशाल्लाह नवेद भाई ये त्रियाना गोश्त रले रखना है ना हाँ हाँ भाई सब गोश्त कट्ठे रखें हाँ जी
भाई साहब पूछ रहे हैं गोश्त तीनों का इकट्ठे रखना है। मैंने कहा हाँ इकट्ठे रखें सारों का। अच्छा जी माशाल्लाह तीनों बकरों की खाल उतार ली है और अब माशाल्लाह फट्टे के ऊपर गोश्त आ चुका है। अब गोश्त बनाई जा रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जैसे गोश्त बने और आगे मैं तकसीम करूँ। माशाल्लाह जी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तीनों बकरे बन चुके हैं, गोश्त बन चुका है, हमने हिस्से बना लिए हैं। ये देखें जी और ये देखें जी और ये देखें जी, माशाल्लाह तीनों बकरे बन चुके हैं। ये देखें जी एक ये चारपाई और रिक्शा फटा और ये देखें इस चारपाई पे भी गोश्त पड़ा है। माशाल्लाह दुआ के लिए भी सब खड़े हो चुके हैं। अबू जी दुआ करवाएंगे। अबू जी एक बार फिर से हाथ उठाकर दुआ करवा दें अंकल जी के लिए, अंकल जी के बच्चों के लिए, अंकल जी की पूरी फैमिली के लिए जिनका ये सदका खैरात है। सबके लिए हाथ उठाकर दिल से दुआ कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आमीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनातन व फिल आख़िरति हसनातन व क़िना अज़ाबन नार। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وعلى والدي وعلى المؤمنين يوم يقوم الحساب۔ میرا پاک اللہ جس بھائی نے صدقہ خیرات کے لیے یہ بکرے دیے ہیں اوندا جو روزی ریت کے برتن عطا فرما جو اوندے لوائے کہ این دنیا تو برکا وٹا کے میرا پاک اللہ ہم لوگ جنت اعلی تو اعلی مقام عطا فرما۔ آمین۔ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਹਦਾਏ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਕਿਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੰਨਤ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਖੈਰ ਕਰ, ਖੈਰ ਦੇ ਮਤਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਫਲਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵ ਅਜਲ ਫਰਜ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਪਰ ਉਠਾ ਲੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਪਰੋਂ ਮੇਂ ਪੈਕ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਨਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਪੈਕ ਕਰਨਾ। छोटे भाई, छोटे भाई इसको डाल गट्टू में, ये सारे गट्टू में डाल इसे क्योंकि रिक्शा उनको देना है और रिक्शे के लिए बार बार कह रही हैं। जल्दी करो जल्दी, शाबाश भाई मेरे। अरे मेरी डालो 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 डालो। अच्छा भाई साहब ये उठा लें, प्यारे छोटे प्यारे भाई इसे उठा लें, रिक्शा बाहर निकाल लें। अच्छा जी माशाल्लाह ये भी पैक हो गए हैं, रिक्शा वो लेके चले गए हैं अपना। अच्छा कसाई भाई कोई हिसाब लगाया है कितना वजन निकला होगा गोश्त का? हाँ जी 55-60 किलो। अच्छा 55-60 किलो जी। अच्छा वजन बहुत तकड़ा है। अच्छा बकरे तकड़े हैं। अच्छा चले माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे भी तकड़े थे। हाँ ये बात तो है। आमीन आमीन। अच्छा भाई साहब कुछ आप इस गट्टू में डाल लें और कुछ इस के साथ मिला के एक गट्टू में डाल लें। भाई साहब उठाए ना गट्टू ये वाला, चला जाएगा ना तकरीबन 30-30 किलो एक गट्टू में है। भाई साहब 30-30 किलो चला जाएगा ना एक गट्टू में। चले चले ठीक है ठीक है। फिर चार पाई के ऊपर रख के भाई साहब, प्यारे भाई आप इसको इसमें डाल लें। हाँ ये वाला डाल लें, डाल दो डाल दो डाल दो। बस 30-30 किलो आ गया है, ठीक है दोनों गट्टों में। मोटरसाइकिल यार मेरा पंचर हुआ खड़ा है। सना भाई अपना मोटरसाइकिल तो ले आओ यार, मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। अच्छा जी भाई साहब आ गए हैं अपनी मोटरसाइकिल लेके। आज मेरा मोटरसाइकिल पंचर हुआ खड़ा है तो इसलिए चले जी आ गए भाई साहब।
भाई साहब इधर 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 ले आए, क्योंकि हमने आज इधर से शुरू करना है। मेरे प्यारे बहन भाई, माशाल्लाह आज गोश्त काफ़ी सारा है। जो घर पहले रह जाते हैं, दूर दूर तक हैं, गरीब हैं, हकदार हैं, वो रह जाते हैं, लेकिन आज उन तक भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे गोश्त, क्योंकि गोश्त काफ़ी सारा है। इस साइड पे हम सबको दे के वापस आ चुके हैं, माशाल्लाह आज सबका पूरा हो गया है। अब हम ये लेके जा रहे हैं इधर बस्ती में देने, और ये जो आसपास घर हैं इस साइड वाले, अब ये उनमें जाके देंगे। चले भाई साहब, ये ले भाई साहब, इसको भी हमने खत्म कर दिया है। वैसे नवीद भाई, ये आपका काम है हकीकत में। बहुत मतलब थक जाता है यार। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद ये सिरे पाए पड़े हैं, 1 2 3 और पाए पड़े हैं। और जी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये भी किसी को दे देंगे। कोशिश होती है अच्छे से अच्छा काम करें, और बाकी आप सबने बताना है कि आज का मेरा काम आप सबको कैसा लगा। अगर काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा दिल से कमेंट कर देना। और आज के व्लॉग से लेता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, ओए बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, आप डर गई हैं, किसे क्या हो गया है? अच्छा, रोटी पका ली है, चलें। वो मोटरसाइकिल वाला भाई बैठा है, एक दो भाई और बैठे हैं, हम सब मिल के खाना खा लेते हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, ये देखें, बेगम साहब ने जल्दी जल्दी खाना पका लिया है, और कुछ भाई बैठे हैं, वो और मैं रल मिल के खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो है ना, फिर एक और मैंने काम करना है। और अभी बेगम साहबा, आप व्लॉग का तो एंड कर दें। हेलो, हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाई, आज के व्लॉग का ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।